इस नेचुरली हेल्दी पकौड़ा करी को एक बार जरूर ट्राई करें। आज मैं आपके लिए बिना बेसन की पकौड़ा करी लेकर आया हूं। दोस्तों, बहुत से लोगों को कढ़ी में बेसन पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज बिना बेसन की कर्ड पकौड़ा करी हम बनाएंगे। ये बिल्कुल नेचुरली और हेल्दी करी होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ संजय, पहाड़ी कुकिंग चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आओ देखते हैं क्या है पूरी रेसिपी। 500 ग्राम मैंने कर्ड ली हुई है, इसमें डालेंगे हल्दी, गर्म मसाला, चिली पाउडर, नॉर्मल चिली पाउडर जो होता है, हाफ कप वाटर लगाएं, साथ में फिर आपने पाउडर मसालों, बटर और कर्ड को एक साथ फेंटना है। अच्छी तरह से आपने इसका घोल बनाना है, तो इसलिए इसको आपने फेंटना है। दोस्तों पकौड़ा कड़ी बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 ग्राम मैंने पकौड़े लिए हुए हैं, टमाटो एक मैंने चॉप किया हुआ है, प्याज को फाइन चॉप किया है और प्याज के स्लाइसेस बनाए हैं, साथ में जिंजर गार्लिक है, ग्रीन चिली है और बहुत सारा हरा धनिया है। एक टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लें और हींग डालें इसमें, साथ में आपने मस्टर्ड सीड्स डालने हैं, जीरा डालना है और मिर्च सौंफ डालनी है। फिर खड़े मसालों को थोड़ा आपने तड़कना है। दोस्तों इनको स्टर करना है अच्छी तरह से, अजवाइन डालें थोड़ी सी फ्लेवर के लिए, ब्लैक पेपर डालना है और साथ में 2 से 3 आपने रेड चिली डालनी है। दोस्तों साबुत जो होती है लाल मिर्च, उसको फिर स्टर करना है खड़े मसालों के साथ, अच्छी तरह से भूनना है आपने इन मसालों को। खड़े मसाले तड़क गए हो तो फिर जिंजर और गार्लिक आपने डाल देना है, इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। हल्का सुनहरा कलर हम लेंगे इसका। फिर प्याज को डालना है, प्याज को भी आपने स्टर करना है और थोड़ा कुक करना है इसको 1 से 2 मिनट के लिए। दोस्तों प्याज को स्टर करते रहें, इसको नीचे नहीं लगने देना है आपने प्याज को। फिर टमाटो डाल दें और टमाटो को भी स्टर करें प्याज के साथ। प्याज के साथ आपने टमाटो को कुक करना है, टमाटो थोड़ा नरम पड़ जाए तब तक आपने कुक करना है। अब टमाटो नरम पड़ गया तो हम कर्ड को डाल देंगे दोस्तों, जो घोल हमने बनाया था कर्ड का, और इसको स्टर करना है आपने लगातार। अब आपने स्टर करना है दोस्तों, आपका काम अब हाथ चलाना होगा, नहीं तो कर्ड फिर फट जाएगी अगर आप इसे स्टर नहीं करेंगे। गैस की फ्लेम आप मीडियम में रखें और फिर स्टर करें कर्ड को अच्छी तरह से। इस स्टेज पर आपने प्याज के हमने जो स्लाइसेस बनाए हैं उनको डाल देना है, फिर स्टर करना है। हल्का हीट हो जाए कर्ड और इससे स्मोक आने लगे, उस समय में फिर आपने सॉल्ट डाल देना है। दोस्तों जब उबाल आ जाए तो सॉल्ट डालेंगे आप, तो फिर आपकी कर्ड फटेंगे नहीं, साथ में ही आपने पकौड़े का प्रयोग भी कर देना है। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए पकौड़े के साथ कुक करेंगे कर्ड को, थोड़ी देर के लिए इसे स्टर कर लें आप अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट के लिए पकौड़ा और कर्ड को एक साथ कुक करें, बिना लीड से कवर करके आपने कुक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारी पकौड़ा कर्ड करी बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत थिक बनी हुई है दोस्तों। तो अब इसे हम सर्व करेंगे। दोस्तों ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसकी प्लेटिंग हम कर देंगे। एक बॉल में इसे मैं सर्व करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही थिक हमारी पकौड़ा करी बनी हुई है, बिना बेसन के हमने इसको बनाया हुआ है। बहुत से लोगों को बेसन पसंद नहीं आता है, तो इसलिए आज मैंने बिना बेसन के पकौड़ा करी बनाई हुई है। अगर आपको बेसन पसंद है तो फिर आप इसमें बेसन का घोल बनाकर भी इसे बना सकते हैं। दोस्तों अब आपने करना क्या है, जो जो स्टेप मैंने बताए हैं बस उनको फॉलो करना है और अपने घर में एक स्वादिष्ट पकौड़ा करी बनाकर तैयार करके अपने घर वालों को खिलानी है, साथ में अगर मेहमान आए हो तो उनको भी बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। दोस्तों ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे YouTube चैनल पहाड़ी कुकिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।